हम तो डरे आते थे पर यार प्रो के लिए सारे ऊपर चले आएंगे तो इसमें साठ आना है सर। अभी हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं मैच पता था कि वहाँ जाके तो ना यूएसबी वगैरह तो वो ना मार जाएगा। पहले हम बात कर रहे थे चलो कर दिया और नहीं कर अभी मैंने बैंक की क्लास बनाई, इसमें एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया है पीछे देखो, ठीक है ये एग्जांपल कर चुके हैं हम। बैंक का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बी डॉट कोई भी रोल नंबर वगैरह का इसमें रखा हुआ है एक्स्ट्रा एडिशन। पहले वेलकम प्रिंट होगा कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, देन थ्री प्रिंट होगा। अगर मैं थ्री प्रिंट ना कर रहा हूं तो ना होगा। ठीक है ऑब्जेक्ट बनते हुए ये प्रिंट होगा। हाँ कहीं भी कर सकते हैं, बस क्लास के अंदर होना चाहिए, यहाँ भी कर सकते क्लास के अंदर होना चाहिए। सही कॉल करोगे जब भी मिलेगा। तो अब मैंने इसमें एक कोई भी इस तरह वेरिएबल दे दिया। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एरर आएगा कि इसमें आपको यहाँ पे नंबर देना लाजमी है। कोई भी मैंने नंबर पुट किया है यहाँ पे, अब रन हो जाएगा और वेलकम प्रिंट कर देगा। उसका काम क्या है, वेलकम प्रिंट करता है। सही। तो अब जो मैंने यहाँ पे रोल नंबर रखा था इसको मैं प्रिंट जब तक नहीं कर सकता तब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊं, ठीक है। अब ये क्लास हमने बनाई है HBL extends bank string names equal to, ठीक है सिंपल क्लास। अब इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ HBL। सही। अब इस पे क्या होगा कि जो सेफ्टी का मैं बता रहा था कि उसका एड्रेस तब तक हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब जब ये एक्सटेंड कर रहा है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, इस पे भी रोक देगा कि इसके ऊपर पेरेंट जो आ रहा है वो इंटीजर मांग रहा है मुझसे, तो मैं आपको भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहूंगा। सही है, क्लियर समझ आई। सॉल्यूशन देखते प्रॉब्लम समझ आई। अब इसमें क्या है कि बैंक क्लास जो है ना, ये तो जरूरी नहीं कि हमारी अपनी हो, सकता है कहीं से मिली हो, तो उसमें तो चेंजिंग कर ही नहीं सकते। अब हमें यहां से पास करना पड़ेगा और यहां से जब पास करेंगे तो बैंक का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। हो सकता है बैंक एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है बैंक इंटरफेस हो, ठीक है इंटरफेस तो नहीं, चलो एब्स्ट्रैक्ट हो कुछ भी हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इसका तरीका ये है, हम करेंगे HBL का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है HBL का। इस कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, हम बोलेंगे हमारे पेरेंट पे जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल कर दे इस वैल्यू के साथ, वो कॉल होगा सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या करता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है किस वैल्यू के साथ, 800 के साथ। वैल्यू नंबर में होनी चाहिए, कोई भी वो नंबर ले रहा। अभी क्या करेगा, फाइल हो गया। हाँ अपने ऊपर वाले के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा उस वैल्यू से,
वरना बैंक इक्वल टू बैंक लिखा तो ऑब्जेक्ट बनाने का आता है, एब्स्ट्रैक्ट भी तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता उसका। तो फिर दो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका होता है ना, दो होंगे तो फिर उनकी डेटा टाइप चेंज होगी, है ना, तो वो डेटा आर्गुमेंट देंगे उस बेस पे कॉल होगा क्या, तो इस तरह है। नहीं सिमिलर नहीं हो सकता, है ना, जो मेथड का रूल है ना वही, स्ट्रिंग लोगे तो नीचे से स्ट्रिंग पास करोगे स्ट्रिंग वाला कॉल हो जाएगा। अगर हम ये कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करें कुछ और तरीके से करने की कॉलिंग तो हो जाएगा, और तरीके फिर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, और ऑब्जेक्ट बनाने का क्या है, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो बनेगा, इसका तो क्योंकि पूरी क्लास है बैंक, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट होती फिर नहीं होता। देखिए प्रिंट क्या होगा, वेलकम एचबीएल का ऑब्जेक्ट बना, एचबीएल ने सुपर कॉल किया, सुपर में लिखा हुआ वेलकम, वेलकम प्रिंट हो गया, सही है। तो सुपर मेथड, सुपर कीवर्ड यूज होता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने, ठीक है, समझ गए। चलो ढूंढने का नहीं है तो पैरेंट ढूंढेगा, अगर प्राइवेट होगा तो नहीं है, प्राइवेट नहीं आ जाएगा। और कोई कंफ्यूजन वगैरह कुछ? अब देखो कि हमने मेथड जब पढ़े थे मैंने बताया था कि ये हमारे पास ब्रैकेट होता है जिसका हम कोई भी नाम दे देते हैं और रिटर्न टाइप बता देते, जब भी इसको लिखेंगे ये चल जाए, सही। अब ये ब्रैकेट है, इफ वाले ब्रैकेट पढ़े थे जो कंडीशनल होते हैं, कंडीशन ट्रू भी तो चलेगी। अब हमारे पास एक ब्रैकेट है जो कि रिपीटेडली चलता है, रिपीट होता है कितनी दफा, जितनी दफा हम कहें, इसको हम कहते हैं ये इतने टाइम रिपीट होगा जितने टाइम हम इसको कहेंगे, और जो काम भी हम कहेंगे उनका। लेकिन इसमें डिफरेंसेस है कहने के लिए, अब लूप्स जो है हमारे पास जावा में चार तरह के, वैसे तीन है बेसिकली, एक जो है एडिशन वो हम बाद में पढ़ सकते हैं, इंटीजर के बाद जो दो ब्रैकेट लगा रहे हैं कोई ना, हाँ वो भी है, एक है फॉर लूप, एक है व्हाइल लूप और एक है डू व्हाइल। अब चौथा जो है ना वो हमारे पास अभी नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम बाद, फॉर ईच। नेस्टेड लूप वो इन्हीं के अंदर आता है, इन्हीं में आएगा नेस्टेड। उसको लगा कहते हैं नेस्टेड, देखा क्या होता है इसके लिए पूरी आगे देखने की जरूरत। तीन है बेसिकली, अब तीनों का यूसेज अलग अलग, तीन हम यूज अलग अलग जगह करते हैं जहां जहां रिक्वायरमेंट। अब कहां कहां होती है फॉर लूप जो है ना, ये हम वहां यूज करते हैं जहां हमें नंबर ऑफ टाइम्स मालूम होता है कि हमें कितनी दफा ये लूप चलाना है। जैसे मैं कहता हूं 10 टाइम्स प्रिंट कर दो, 10 मुझे मालूम, 100 टाइम्स प्रिंट कर दो, 100 मालूम, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ही होता है। और व्हाइल लूप वहां होता है, व्हाइल का मतलब होता है जब तक या जब के, व्हाइल लूप जहां नंबर ऑफ टाइम्स हमें मालूम नहीं होता कि जब तक चलाओ जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो। मिसाल के तौर पर मैं भी एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि ठीक 8 बजे
आठ बज के 3 मिनट हो तो एक अलार्म बज जाए और हर मिनट चेक करें आठ तीन हो गए तो कितनी दफा चलेगा मुझे नहीं पता, मैं अभी चला दूँ तो काउंट कर सकता हूँ, 1 घंटे पहले चला दो हो सकता है 2 घंटे पहले चला दो, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कितनी दफा चलेगा वो वाइल्ड के लूप में रहता है। फिर ये दोनों में डिफरेंस ये है फॉर और वाइल्ड पहले चलता है बाद में कंडीशन चेक कर फर्स्ट टाइम एक दफा जरूर चलेगा। वाइल ये करेगा कि मैं कह रहा हूं कि लूप स्टार्ट हुआ टाइम चेक करे और अलार्म बजे, अब लूप स्टार्ट हुआ टाइम चेक किया नहीं हुआ वापस आ गया चेक किया नहीं है फिर चेक किया हो गया कर ठीक है। डू वाइल ये है कि पहले चेक करेगा सॉरी पहले अलार्म बजाएगा फिर चेक करेगा, पहले अलार्म नहीं करेगा फिर चेक करेगा 8 बजे का ठीक है और एक एक करके चेक करेगा उसमें से अली नाम कौन सा ठीक है, तो जब तक नेम होंगे नहीं तो चेक कहां से करें, तो डू हमें रखना पड़ता है कि नेम उठा के चेक करें फिर वापस जाकर उठाकर चेक करे फिर वापस जाकर उठाकर चेक करे क्योंकि नाम होगा तो चेक करेगा है और वाइल्ड में अगर मैं रख दूं तो पहले चेक करेगा फिर बाद में उठाएगा तो है ही तो कहां से चेक करेगा, यहां थोड़ा डिफरेंस आया था वाइल्ड को जो भी सिचुएशंस में हमें कंडीशन मालूम है नंबर ऑफ टाइम मालूम नहीं वहां वाइल्ड ठीक है। और लूप सबके बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज में यूज होगा, इवन के आप ये जो रिमोट देख रहे हैं ना इस पे इंफ्रारेड लगा हुआ है यहाँ पे टीवी में, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप रिमोट प्रेस करें और इस पे प्रोग्रामिंग दी दिए ये जाके एक्टिवेट करता है, ऐसा नहीं होता है, वो आपका ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, वो हर सेकंड या इवन के सेकंड में हर मिली सेकंड में बार बार चेक कर रहा है कोई बटन प्रेस हुआ कोई बटन प्रेस हुआ कोई बटन प्रेस हुआ बार बार चल रहा है, जैसे मैं प्रेस करूंगा ना वो ट्रू हो जाएगा कि भाई हाँ बटन प्रेस हो गया, फिर उसकी कोडिंग चलेगी कि कौन सा बटन है क्या फंक्शन कर रहा है, लूप लगा हुआ इस तरह पूरी स्क्रीन पे लूप लगा हुआ है, ये वेट कर रही किसी एक्शन पर, जैसे मैं वो एक्शन परफॉर्म करूंगा ये बोलेगा हाँ भाई आ गया ठीक है, इस तरह ये लूप्स आपके हर चीज पे लगे हुए हैं। पहले वाला फॉर लूप है, अब फॉर लूप के लिए सिंटैक्स हमारे पास लिखने का तरीका यह है कि हम लिखेंगे फॉर सेवन ब्रैकेट ओपन, सबसे पहली चीज आती है इसमें इनिशियलाइजेशन टर्मिनेटर ये बताता हूं क्या होता है, फिर आती है कंडीशन टर्मिनेटर, फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ब्रैकेट पर सही, उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट। अभी चीजें होती क्या है इस तरह होती, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का मतलब है कोई भी नंबर आप डिक्लेयर करते हो, नंबर चाहे डबल हो फ्लोट हो इंटीजर हो कोई भी नंबर टाइप शॉर्ट हो बाइट हो, मैंने ले लिया इंटीजर a इक्वल टू 1, ये वैल्यू लिख लेंगे और a इसकी वैल्यू है 1 इनिशियल वैल्यू। अब कंडीशन a लेस देन 5 ये कंडीशन दे दी, अब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मैंने दिया a प्लस प्लस, ये करता है a में प्लस करें सर
जब ये प्रोग्राम रन हो, सबसे पहला स्टेप क्या है, ये पार्ट चेकिंग इनिशियलाइजेशन, एक वैल्यू डिक्लेयर हुई ए, उसकी वैल्यू पूरे बन मेमोरी के अंदर, सही। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट चलेगा ये वाला कंडीशन, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। फिर थर्ड वो भी चलेगा, याद है, प्रिंट कर देगा है, थर्ड पार्ट भी होगा। फिर ये चलेगा ए में प्लस फोर्थ नोड चलेगा, जीरो का एंगल पार्ट चलेगा, जीरो का मैच करता है, फोर्थ पार्ट वो चलेगा, ये थ्री टाइम भी चलेगा, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के लिए फिर फोर्थ पे चलेगा, उसने ए प्लस प्लस किया या ए प्लस प्लस हो गया, तो हो गया। अब वापस इस पे नहीं आएगा, एक दफा चलेगा, अब वापस पे आएगा, कंडीशन ट्रू है, टू लेस देन थर्ड ट्रू है, फिर हेलो प्रिंट करेगा, अब वापस ऊपर जाएगा यहाँ ए प्लस प्लस, इसको थ्री करेगा, कंडीशन ट्रू ही, फिर प्रिंट करेगा, सही। मतलब ये बार बार करेगा, इन दोनों को चेक करता रहेगा, प्लस करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, सही है प्रिंट किया, फिर प्लस किया कंडीशन चेक की, फिर सही। अब ए की वैल्यू हो गई फोर, फोर लेस देन फाइव ट्रू है, प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू हो गई फाइव, फाइव लेस देन फाइव वाला, तो अब ये भारत है, सही है। तो इस तरह ही मैकेनिज्म इसका लूप का चलेगा, फिर लूप रुक जाएगा, फिर लूप से बाहर आ जाएगा। सर एक ही क्लास में कर सकते हैं, हाई इन क्लास में कर सकते हैं, मेन मेथड नहीं लिख सकते, सही है। रन करके देखते हैं, तब तो मतलब इसको कोई मतलब एक लिमिट जैसे हम दे सकते हैं, जैसे कि भाई इतना काम करो पर नहीं जाओ, ये लिमिट टाइप दी है ना, रुक जाओ उसको करो, जब अब वो काम करता रहेगा सेकंड से सेकंड भाई, अब मैंने पहले लिखा फॉर इंटीजर आई या ए वेरिएबल कोई भी हो इक्वल टू वन, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, ये पहले स्पेसेस वगैरह ना दे कोई, ऐसे मैं दिखाने के लिए दे रहा हूँ, ब्रैकेट्स यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ, स्टार्टेड लूप के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं, हेलो यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, प्रोग्राम एंड, सही है। लूप स्टार्ट एक दफा प्रिंट हुआ, लूप में आया वन टू थ्री फोर, पहली वैल्यू वन थी प्रिंट हो गया, टू ही प्रिंट हुआ, थ्री हुई प्रिंट हुआ, फोर हुई प्रिंट हुआ, फाइव फिर फाइव इज नॉट लेस देन फाइव, अगर मैं ग्रेट लेस देन इक्वल टू करता तो ये होता, फिर फाइव टाइम्स होता, सही है। तो ये लूप का तरीके का, क्लियर। अभी जो कंडीशन है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू ही रहा है, तो मिसाल के तौर पे मैं लिख दूं i इक्वल इक्वल वन, अभी ये करेगा वन किया या आया, इसको वन किया i को वन, ठीक है, या आया i इक्वल इक्वल i, i i के बराबर है, सही बात है, या आया i प्लस किया, फिर आया i इक्वल इक्वल i, i के बराबर, फिर आया, फिर चेक किया, ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा ही, ये इन्फिनिटी हो गया था। अब इसको अगर मैं रन करूंगा ना, ये कर ही जाएगा, कंट्रोल सी से बंद होगा, पहला सवाल ही बंद कैसे करेंगे, हाँ कंट्रोल, ठीक है, चेक किया था वो रिकर्जन में हमने किया था। तो अगर कंडीशन आपकी ट्रू रह गई, ट्रू होगा, कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हुई, मैं कहता हूँ आई ग्रेटर देन फाइव, अब मेरी आई की वैल्यू पहली वन है, तो ग्रेटर देन फाइव तो एक दफा भी ट्रू नहीं हुई ना, तो एक दफा भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन कर रहा हूं लूप को, i वन से स्टार्ट करके i लेस देन इक्वल टू 10, और यहां प्रिंट कर रहा हूं हेलो,
या हेलो 10 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। अब देखें यहां पे जहां मैं हेलो प्रिंट कर रहा हूं ना, आई की वैल्यू भी तो बार बार चेंज हो रही है। आई पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। तो मैं आई प्रिंट करा के देखूं इसकी वैल्यूज क्या है। इसकी वैल्यूज आपकी आगे प्रिंट होती भी आएंगी 1 2 3 4 5 6। पहले आई 1 था, 1 आ गया, 2 हुआ 2 आया, 3 हुआ 3 आया, 10 लेस देन इक्वल टू 10 जब 10 है तब भी आया, 11 हुआ तो नहीं आया, 11 पे रुक गया। सर अगर इंटीजर 2 हो तो जब प्लस होगा तो 4 होगा यहां पे, इधर यहां नहीं, पर क्योंकि प्लस में प्लस प्लस एक दफा कर रहा हूं, एक प्लस कर रहा हूं, तो 2 से स्टार्ट होगा और 1 प्लस करता रहेगा, ये स्टार्टिंग है। आप इसमें ये करते हैं हम 1 है, और यहां पे मैं प्लस की जगह पे प्लस इक्वल टू 2, ये क्या करता है नंबर के अंदर 2 प्लस करता है। अब आई की वैल्यू 1 है, फिर 2 प्लस करेगा, 3 हुई, फिर 2 प्लस करेगा जब तक 10 से छोटी रहती है। 1 3 5 7 9, 1 में 2 प्लस हुआ 3, फिर 5, फिर 7, 9 तक ट्रू ही, 9 के बाद 11 हुई, 11 फॉल्स, सही है। तो ये लूप इस तरह होगा, क्लियर। कुछ भी यूज कर सकते, कोई भी कंडीशन, कोई भी इंक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या डिवीजन भी कर सकते हैं, कोई भी चीज उसमें कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सही है। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। आई स्टार्ट हो 10 से, जब तक आई बड़ा है या बराबर है 1 के, और आई में माइनस हो जाए, पहले 10 है फिर माइनस हो, देंगे रिवर्स हो गया, 10 से लेके 987 जब तक 1 नहीं आता, तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग मैंने बताया वहां तक चलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल लूप है आपका, जस्ट आई प्रिंट करा रहा है, आंसर 10। कितनी भी प्रिंटिंग आप कराएं, 1000 तक कराएंगे तो 1000 तक नंबर दे देंगे। ज्यादा बड़ा नंबर था।